प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी दौरे पर है। पीएम मोदी ने बिहार के जमुई में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि पूरा हुजूम का हुजूम इधर आया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये चुनाव सभा का है या विजय सभा का है? आपने कमाल करके रख दिया है। आज जमुई की इस खूबसूरत धरती पर उमड़ा जन सैलाब बता रहा है कि जनता का मूड क्या है। पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। वही पीएम मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को याद करते हुए कहा कि मैं जब आपके बीच आया हूं आपने मुझे भरपूर प्यार और अपनापन दिया है, लेकिन इस मंच से कमी हमें महसूस हो रही है। हमारे लिए पहला ऐसा चुनाव है जब बिहार के बेटे दलितों वंचितों के प्रिय और मेरे परम पितृ पद्म विभूषण से सम्मानित रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं है। मुझे संतोष है कि रामविलास के विचार को मेरा छोटा भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। वही पीएम मोदी ने कहा कि आज देश कैसे बदल रहा है, बिहार इसकी साक्षी है। बिहार कैसे बदल रहा है इसका उदाहरण आप जमुई में भी देख सकते हैं। हमारा यह जमुई कांग्रेस और राजद के दौर में किस हालत में था, आज जमुई विकास के हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। वही नक्सलवाद दम तोड़ चुका है। जो लोग नक्सलवाद के रास्ते पर भटक गए थे उन्हें हमारी सरकार ने मुख्य धारा से जोड़ा है, उनके परिवारों को पूरा सहयोग दिया है। अब इस इलाके में एक्सप्रेसवे निकलेगा, मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है। अब देवघर से जमुई के लिए हवाई जहाज की सेवा शुरू हो गई है। अब जरा मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, ये चुनाव सभा है कि विजय सभा है? आपने कमाल करके रख दिया आज। आज जमुई की इस खूबसूरत धरती पर उमड़ा ये जन सैलाब बता रहा है जनता का मूड क्या है। जुमई से बीजेपी और एनडीए के पक्ष में उठी ये हुंकार बिहार के साथ ही पूरे देश में गूंज रही है। जमुई, नवादा, मुंगेर, बांका के साथ साथ बिहार की सारी 40 सीटें एनडीए के खाते में देने का आप बिहारवासियों का निर्धार, मैं इस निर्धार को नमन करता हूं। और इसलिए पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार। साथियों, मैं जब भी आपके बीच आया हूं आपने मुझे भरपूर प्यार दिया है, अपनापन दिया है, लेकिन आज इस मंच से एक कमी हम सबको महसूस हो रही है।